चलिए आज हम करेंगे द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑलवेज आती हैं। ट्रेड यूनियंस का टॉपिक इसके बाद हमें करना है, लेकिन उसकी भी बिगनिंग यहीं से हो चुकी होगी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे बदली है इन मूवमेंट्स की वजह से, कल हमने ऑलरेडी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे जुड़े हुए सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में पढ़ाया था, जिसमें नेहरू एंड बोस का, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उसी दिशा में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर हैं, द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अलग अलग चरणों से होते हुए गुजरेंगे, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी, ऐसी शख्सियतें, ऐसी हस्तियाँ शायद जिन्हें आप नहीं भी पहचानते या जानते, उनकी भारत में क्या योगदान थे आपको समझ में आएंगे। मानवेंद्रनाथ रॉय एक ऐसी भारतीय शख्सियत थे जिन्होंने उस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की मीटिंग, जिसे हम कांग्रेस बुलाते हैं, वहाँ पर लेनिन, एक इम्पॉर्टेंट लीडर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के और सोवियत यूनियन के इम्पॉर्टेंट प्रीमियर, लेनिन की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी शख्सियतों के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। हर चीज़, हर शब्द का आपको अनुभव होगा, लेफ्ट वर्ड कहाँ से आता है, कम्युनिस्ट क्या होते हैं, राइट, सेंटर और लेफ्ट, ये मूवमेंट्स कैसे जन्म लेती हैं, इन सबको हम समझेंगे। और एट द एंड हम कन्वर्ज हो जाएंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से चैप्टर आगे आगे प्रोसीड करते हुए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और फिर हम वहाँ पहुँच चुके होंगे जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद गांधी जी ने जब दोबारा भारत के स्तर पर एक मास मूवमेंट किया, यानी कि 1930 के अराउंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस दौरान भारत में किस तरह की आइडियोलॉजीज़ का जन्म हुआ, किस तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स ने यहाँ पर एक नए तरह के माइंडसेट को डेवलप किया, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्वराजिस्ट पार्टी के बारे में भी पढ़ा, हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा, उनका नेशनलिज्म में कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने सोशलिस्ट आइडियाज़ कांग्रेस के बीच में कैसे इंड्यूस हुए, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में पढ़ा, आज हम लेफ्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और हम ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ के इस 1922 से 1930 के बीच के इस दौर को पूरी तरह से समेट देंगे। और फिर हम आ जाएंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 पॉइंट से होते हुए सिविल डिसोबीडियंस, और वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हुए सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, और उसके बाद इतिहास का एक नया पड़ाव शुरू हो जाएगा। ये हमारे आने वाले दिनों का रोड मैप है जो हमने तैयार किया है इस तैयारी के माध्यम से। चलिए आज के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या क्या कवर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, द ग्रोथ ऑफ लेफ्ट मूवमेंट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी और द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं भारत के स्तर पर। देखिए जब हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेफ्टिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समझना चाहते हैं, तो उसके पहले एक शब्द है लेफ्ट, जिसकी हिस्ट्री और आइडियोलॉजी अगर बेहतर तरीके से समझ ली जाए तो मुझे लगता है कि आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड होगा कि ये सभी करना क्या चाहते थे। ऐसे में अगर इस लेफ्ट वर्ड के इतिहास को समझना चाहें तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ शब्द है। देखिए फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी और उसके अलग अलग रूलर्स समय समय पर रूल करते रहते थे। ऐसे में पूरा का पूरा फ्रांस जो था उस समय में मोनार्की के अंडर 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। एस्टेट 1 जिसमें कि रूलर आता था, मोनार्क आता था, उसके नोबल आते थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आती थी। एस्टेट 2 जिसमें कि प्रीस्टली क्लासेस, रिलीजियस पीपल, द क्लर्जी पीपल, ये आते थे। एस्टेट 3 जिसमें आम लोग आते थे और इसी में बर्गोइस क्लास भी आती थी, यानी कि व्यापारी, ट्रेडर, मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स, ये भी एस्टेट 3 में आते थे। इस तरह से पूरे फ्रांस को 3 एस्टेट में बांटा था, एस्टेट 1, एस्टेट 2, एस्टेट 3, और फिर एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी। अब ऐसे में वो जो एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी, वो मीटिंग जब होल्ड हुआ करती थी,
तो जो फ्रांस की उस समय की एक पृष्ठभूमि बनी वो तकरीबन तकरीबन ऐसी बनी कि जो पर्टिकुलरली स्टेट वन था उसकी संख्या तो बहुत कम थी, स्टेट टू की संख्या स्टेट वन के बराबर थी लगभग, लेकिन जो स्टेट थ्री था उसमें तो मासेस थे, बहुत था, लोग बहुत थे, लेकिन फिर भी हर स्टेट का एक ही वोटिंग राइट था, यानी कि वोट एक ही था हर स्टेट के पास। तो स्टेट वन का भी एक वोट, स्टेट टू का भी एक वोट, स्टेट थ्री का भी एक वोट, जबकि स्टेट थ्री में लोग इतने ज़्यादा हैं, वोट उनको एक ही मिला हुआ है, और मेजॉरिटी से निर्णय हो जाया करता था, यानी कि तीन में से दो वोट अगर एक हक में हो तो निर्णय हो जाएगा, और स्टेट वन और स्टेट टू ऑलवेज आपस में मिल करके काम करते थे। वह यही कारण था कि स्टेट थ्री ने अचानक से स्टेट जनरल्स की मीटिंग से बायकॉट किया, और बायकॉट करने के बाद ये जो स्टेट थ्री है, स्टेट थ्री ने ही अपने आप के लेवल पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की। तो ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की पृष्ठभूमि हो गई, इसके ऊपर हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स डिटेल में हैं। अब मुद्दा यहाँ पर आ जाता है, वो आपको समझना है कि फ्रांस की ये जो नेशनल असेंबली हुआ करती थी, इसकी जब मीटिंग बुलाई जाती थी तो इस नेशनल असेंबली में जो स्पीकर की पोजीशन होती थी, उस स्पीकर की पोजीशन के, यानी कि मान लीजिए मैं हूँ स्पीकर और मैं इस तरह से बैठा हूँ, तो स्पीकर के जो राइट में बैठते थे वो लोग एक वक्त के बाद राइटिस्ट कहलाए, स्पीकर के जो फ्रंट में बैठते थे, सेंटर में बैठे थे वो सेंट्रिस्ट कहलाए, और स्पीकर के जो लेफ्ट में बैठते थे वो लेफ्टिस्ट कहलाए। तो ये एक तरह की पॉलिटिकल वोकैबुलरी है जिसके तहत आपने जो लेफ्ट में बैठने वाले लोग हैं स्पीकर के, उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाना शुरू कर दिया गया। क्या थे ये लेफ्ट में बैठने वाले लोग और पॉलिटिकल वोकैबुलरी में इस तरह से इन्हें लेफ्टिस्ट क्यों कहा जाता था? देखिए, जो राइट में बैठा करते थे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंजर्वेटिव थी, यानी कि जो राइटिस्ट हैं उनसे कंजर्वेटिविज्म से जोड़ करके देखा जाता है। कंजर्वेटिव से यहाँ पर मतलब क्या है? वो ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रहा है यही पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यूअस रहे, जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर अभी एग्जिस्ट कर रहा है यही सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर आगे भी कंटिन्यू रहे, यानी कि वो राजनीतिक ताना बाना जो बना हुआ था ढांचा उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। उनका मानना ये था कि जिस तरह से मोनार्की है रहनी चाहिए, जिस तरह से एरिस्टोक्रेसी है रहनी चाहिए, जिस तरह से नोबल हैं रहने चाहिए, ये सिस्टम इसी तरह से कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जिसमें क्लास प्रिविलेजेस का जिक्र आता है, जिसमें बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस की बात आती है जो इनको मिले हुए थे, जिसमें ये जो पीजेंट हैं, जो वर्कर हैं, उनके ऊपर एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लगाया करते थे, उनसे एक लेवल की बंधुआ मजदूरी भी कराया करते थे। तो ये अपने प्रिविलेजेस की वजह से, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से चाहते थे कि ये सिस्टम एज इट इज़ चलता रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ये उस सिस्टम को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कंजर्वेटिव कहा गया है। और मोस्टली जो स्पीकर की राइट साइड पर बैठा करते थे वो इस तरह की कंजर्वेटिव बातें किया करते थे, इसलिए अक्सर राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा होती थी तो चर्चा ये होती थी कि वो जो राइटिस्ट बैठे हैं ना, वो जो राइट वाले हैं ना, वो कंजर्वेटिविज्म चाहते हैं, तो इसलिए राइट विंग कंजर्वेटिव से जुड़ गया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा परिवर्तनों के लिए ओपन नहीं होते समाज में, कल्चर में, हेरिटेज में, पॉलिटिक्स में, ये ज़्यादा परिवर्तन देखना पसंद नहीं करते। आपके देश में भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे राइटिस्ट कहा जाता है, अक्सर उसके कुछ कट्टरवाद स्टैंड जब लिए जाते हैं उसके बेसिस पे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत में इस तरह के प्योर लेफ्ट, राइट और सेंटर विंग एग्जिस्ट नहीं करते उस लेवल पर। और एक बात आपको और समझनी होगी कि जब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ तो सही मायने में ये शब्द कैसी उत्पत्ति हुई मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। एक समय के बाद ये आइडियोलॉजीज बदलती हैं, जो राइटिस्ट हैं वो ना तो प्योरली उतने कंजर्वेटिव थे, और कंजर्वेटिविज्म हर समय बुरा नहीं होता। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से नेपोलियन ने जब पूरे यूरोप को कवर करना शुरू कर दिया था, ऐसे में यूरोपियन आइडियोलॉजी जब फ्रेंच आइडियोलॉजी जब अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर हावी होने लगी, तो उन यूरोपियन कंट्रीज़ ने यह तय किया कि वो अपने कस्टम कल्चर मैनर को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को और अपने सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर को कंजर्व करेंगे, क्योंकि वो फार बेटर था एज़ कम्पेयर टू द रूल ऑफ नेपोलियन।
और ये बात सही भी थी उस वक्त के लिए, क्योंकि एक समय के बाद नेपोलियन का सिस्टम बहुत ही ऑटोक्रेटिक हो गया था, तानाशाही हो गया था, और यूरोपीय देशों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि नेपोलियन के सिस्टम से पहले वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर था, तो बेटर है कि हम वापस से उन प्रैक्टिसेस की ओर लौटें जो नेपोलियन से पहले वाले सिस्टम को कंज़र्व करने की तरफ एफर्ट्स करें। ऐसे में यहाँ पर कंज़र्वेटिव एटीट्यूड जो है वो एक तरह से नेपोलियन की ऑटोक्रेटिक रूलिंग से खुद को बचाने के लिए अपनाया गया है, तो ये उतना गलत नहीं है। लेकिन जब कंज़र्वेटिज़म इस लेवल तक चला जाता है कि आप किसी तरह के प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करते, आप कोई किसी भी तरह की इलिसिट एक्टिविटीज़ को रिकवर ख़त्म नहीं होने देते, आप किसी भी तरह के सोशल और इकोनॉमिक इविल को ख़त्म नहीं होने देते, अपनी इकोनॉमी, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपने मैनर के नाम पर, अपनी हेरिटेज के नाम पर उसे चलाए रखते हैं, उसे कंज़र्व करके रखते हैं, तो राइट विंग, तो कंज़र्वेटिज़म ख़राब माना जाता है। इसी तरह से जो सेंट्रिस्ट थे, इनका तो मैं वही बताना चाहता था कि ये इतिहास के अलग अलग दौर में इसकी इंटरप्रिटेशन रहती हैं, लेकिन मोटा मोटी अंडरलाइंग इफ़ेक्ट वही है जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से वो जो सेंट्रिस्ट थे वो सेंटर में रहते थे, उनका मानना ये था कि जो इस समय गवर्नमेंट है, जो मनार्की है, जो नोबल हैं, जो रूलर हैं, इनमें अगर कुछ तब्दीलियाँ कर दी जाएँ, टैक्स सिस्टम में थोड़े से परिवर्तन कर दिए जाएँ, थोड़ा सा थर्ड एस्टेट को भी स्टेक दिया जाए गवर्नमेंट के सिस्टम में, थोड़ा सा मनार्की, ऑटोक्रेसी, तानाशाहियों को कम करे, इस तरह से वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में थोड़े से बदलाव चाहते हैं, थोड़े से चेंजेस करके उसे थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ा डेमोक्रेटिक, थोड़ा बैलेंस्ड करना चाहते हैं, ये लिबरल एटीट्यूड के लोग हैं। तो ये लिबरल हैं, तो ये जो लिबरल हैं इन्हें सेंट्रिस्ट कहा जाता है। ये थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसीजर की तरफ इस तरह से बढ़ना चाहते हैं कि सब कुछ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो, कुछ भी रातों रात यकायक ना हो, क्रांतियाँ ना हों, रेवोल्यूशनरी चीज़ें ना हों, और ये एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग मॉडल को प्रिजर्व और कंजर्व करके भी नहीं चलना चाहते। इनका मानना ये भी नहीं होता कि जो जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते चले जाए, तो ये फिर राइट विंग की तरह कंजर्वेटिव भी नहीं है। लेकिन ये अपने सेंटर विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अलग आइडियोलॉजी, एक अलग थॉट से, एंड दैट इज़ द लिबरल। ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, ये रातों रात ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव नहीं करते, ये कंप्लीट चेंज ऑफ द सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं, ये जो कुरीतियाँ हैं सिर्फ उनको करेक्ट करने की बात करते हैं, बाकी सिस्टम कंटिन्यूस रहे ये उसका जिक्र करते हैं, तो इन्हें सेंट्रिस्ट माना जाता है। मोस्टली कंट्रीज़ में इन्हें सेकुलरिस्टों से भी जोड़ करके देखा जाता है कि भाई इनकी आइडियोलॉजी काफ़ी सेकुलर रहती है। अब जो लेफ्ट में बैठते थे वो लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, ये कंप्लीट रेडिकलाइजेशन चाहते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम का और एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर का, यानी कि इनका उद्देश्य ये रहता है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाए, रेवोल्यूशनरी एक्ट किया जाए, और जो अब दिन तक एग्जिस्ट कर रहा था आज तक वो पूरा बदल जाना चाहिए और एक नया ढांचा एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। दूसरा इनका अप्रोच ये रहती है कि जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इस सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास बेस्ड सोसाइटी है, जिस क्लास बेस्ड सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो रूलर है वो अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये क्लासेस ख़त्म होनी चाहिए, पूरी तरह से क्लासेस ख़त्म हो जानी चाहिए। तो जो सेंट्रिस्ट थे वो ये बात करते हैं कि क्लासेस के प्रिविलेजेस ख़त्म हों, लेकिन जो लेफ्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि क्लासेस ही ख़त्म हों, और जो राइटिस्ट थे वो ये कहते थे कि क्लासेस भी रहें और उनके प्रिविलेजेस भी रहें। तो इस बेसिक चीज़ को ही पकड़ के आप तीनों के अप्रोच में फ़र्क समझ सकते हैं। तो लेफ्टिस्टों का ये मानना है कि पूरी तरह से क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, प्रोलेटेरियट्स यानी कि एग्रीकल्चरल लेबरर पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, एक पॉलिटिकल फ्रंट ओपन करना चाहिए, और ये लोग मिल करके देश की सत्ता को अपने हाथ में लेकर के आएं, और कंट्री के रिसोर्सेज नेशनलाइज होने चाहिए, उसमें जितना जिसका कंट्रीब्यूशन रहा उसके हिसाब से उसको उसके रेमिटेंसेस मिलने चाहिए, और इस नेशनलाइज सिस्टम को
अचीव करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, और वो गवर्निंग बॉडी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोटिंग के मायने से चुनाव जीत करके आए तह वह लोकतांत्रिक मानी जाएगी। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, यू कैन कॉल इट द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और इसके लिए एक संविधान होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, ये नेशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये स्टेट कंट्रोल स्टेट ओनरशिप की बात करते हैं, और ये गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोलेटेरियट्स की बात करते हैं, ये है समाजवाद। तो मोस्टली जो राइटिस्ट हैं ये रेडिकल्स सॉरी जो लेफ्टिस्ट हैं ये रेडिकल्स होते हैं, और उस दौर में क्योंकि रेडिकलाइजेशन क्या था, जिससे आप अब आज की दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों का नाम सुने तो आप टेंशन में ना जाएं। अब उस दौर में रेडिकलाइजेशन क्या है, रेडिकलाइजेशन ये है कि जो सिस्टम चल रहा है आप उसको चैलेंज करें, उसे पूरी तरह से बदलने के प्रयास करें। सिस्टम उस समय में क्या चल रहा है, 17th, 18th, 19th century का यूरोप क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने मर्सेंटलिज्म को जन्म दिया, वह मर्सेंटलिज्म जो कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक इम्पीरियलिज्म दिखेगा जिसके कोर में कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज हैं। कल के लेक्चर में मैंने ये सारा समझाया है, इसमें इसको चैलेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन एजेंडा है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आप अपने इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आप लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब लेबर के तौर पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड एग्रीकल्चरल लेबरर दोनों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ऐसे में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो फिर यहाँ पर रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि टू काउंटर द कैपिटलिज्म, एंड टू काउंटर द कैपिटलिज्म यू नीड टू काउंटर द सिस्टम ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, द प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इज़ द बेसिस ऑफ द कैपिटलिज्म, एंड इफ़ यू आर काउंटरिंग द राइट ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट प्रॉपर्टी देन अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल द सिस्टम ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी दैट इज़ द कम्युनिटी ओनरशिप कम्युनिटी राइट, एंड द कम्युनिटी इज समवेयर बींग रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट विच इज़ बींग इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सो दैट यू कैन कॉल इट एज अ नेशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर समवेयर कंट्रोल्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, सो दैट दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट इज कॉल्ड समाजवाद, व्हेन सोसाइटी इज ओनिंग द रिसोर्सेज, सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज, सोसाइटी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज, तो दिस इज द समाजवाद। सो राइट प्रॉपर्टी राइट इज समवेयर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द कम्युनिटी, फ्रॉम द प्राइवेट टू द पब्लिक। सो द थिंग इज एवरीथिंग इन द सोशलिज्म इज रिलेटेड विद द कम्युनिटी, सो दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट द कम्युनिज्म, यू कैन कॉल इट द कम्युनिटी सिस्टम। तो मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स जर्मन स्कॉलर, उन्होंने फिर ये मार्क्सवादी कंसेप्ट, उनके फॉलोअर मार्क्सवादी कहलाए, तो उन्होंने मार्क्सिज्म का कंसेप्ट दिया सोशलिज्म के बेसिस पे, और वह यही है जिसे आप कहते हैं द कम्युनिटी राइट द कम्युनिटी ओनरशिप एंड दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिज्म। तो मोस्टली जो लेफ्टिस्ट होते हैं ये रेडिकल हैं, और रेडिकलाइजेशन का उस समय मतलब था जबर पूरा 180 डिग्री परिवर्तन कर देना, और वो परिवर्तन होना है किसमें, कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी में, और वो करेंगे किस तरीके से, पब्लिक प्रॉपर्टी समाजवाद कम्युनिटी सिस्टम सोशलिज्म। तो ऐसे में फिर लेफ्टिस्टों को हम ऑलवेज एक तरह से कम्युनिस्टों के तौर पर जानते हैं, सोशलिज्म से जानते हैं, रेडिकलाइजेशन से जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री है वर्ड लेफ्ट की, और ये इसके पीछे के आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो उस समय में विकसित हुए, आज इसके किस तरह के रूप बदल चुके हैं वो एक अलग कहानी है। तो राइट सेंटर लेफ्ट, राइट कंजर्वेटिव सेंटर लिबरल लेफ्ट रेडिकल, राइट क्या चाहते हैं कि जिस तरह का सिस्टम है कंटिन्यूअस हो, नो चेंज इन द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। सेंट्रिस्ट क्या चाहते हैं कि थोड़ी इम्प्रोवाइजेशंस हो जाएं, थोड़े रिफॉर्म्स हो जाएं, थोड़ी मॉडिफिकेशंस हो जाएं इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल ऑर्डर। लेफ्ट क्या चाहते हैं, कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर, सो दे आर रेडिकल्स। इस तरह से ये तीनों का जिक्र आता है और ये तीनों जाने जाते हैं। अब इसी कड़ी में हमने आपको सोशलिज्म का चैप्टर पढ़ाया,
इसी कड़ी में रशियन रेवोल्यूशन है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ISPCS वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जितने रेवोल्यूशन देखने हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, सब पढ़ा हुआ है। कंप्लीट लेंथ के लेक्चर्स हैं, वो फुल लेंथ के लेक्चर्स हैं, जाके सुनिए, बहुत मेहनत से कवर किए हैं। और सोशलिज्म का, मार्क्सिज्म का कंसेप्ट मैंने इसी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में अभी 3-4 लेक्चर पहले कवर किया है। तो यही वो लेफ्टिस्ट अप्रोच है, यही वो रेडिकल अप्रोच है जिसको अपना करके 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन किया रशिया में, और जिसके आधार पर फिर सोवियत यूनियन की स्थापना हुई, और यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रशिया स्थापित हुआ, USSR। और अल्टीमेटली यही अप्रोच अब उस वक्त रशिया की उस उपलब्धि को देखते हुए विश्व भर के रेवोल्यूशनरी अपनाना चाहते थे। वर्ल्ड लेवल के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनल स्ट्रगलर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनके सामने एक क्लियर कट उदाहरण रशिया का था। बहुत बड़ी सफलता रशिया में दिखी कि जहाँ पर प्रोलेटेरियट्स ने जबरदस्त तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट क्लासेस यानी कि बर्गोइज क्लासेस से, मर्चेंट ट्रेडर बिजनेस प्रोफेशनल क्लासेस से अपने अधिकार लिए, और एक तरह का नेशनलिस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रोडक्शन डेवलप किया, और उस वक़्त में वाकई में USSR खुशहाली के रास्ते पे था, विकास भी कर रहा था। जब 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था, उस समय में जब पूरा वेस्ट यूरोप इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहा था, उस समय में USSR फ्लरिश कर रहा था, तो पूरा विश्व भर ये मान रहा था कि एक तरह की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेटर आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के कंपैरेटिवली। लेकिन उसके पहले ही रशियन रेवोल्यूशन ने एक ज़बरदस्त वेव क्रिएट कर दी थी, लोगों में एक होप जागृत हुई थी कि भाई हाँ, इस तरह से प्रोलेटेरियट अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो कैपिटलिज्म को मात दी जा सकती है। उसी के आधार पर फिर भारत में कैसे तंत्र सिस्टम आगे बढ़ा है वो समझना हमें ज़रूरी है। दैट इज़ द लेफ्टिस्ट मूवमेंट ग्रोथ इन इंडिया, कि भारत में किस तरह से लेफ्ट मूवमेंट ग्रो हुई है ये अब हमें समझना है। इसमें अब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं लेफ्टिस्ट मूवमेंट ग्रोथ इन इंडिया। देखिए, इसके लिए भी भारत में ये किस तरह से ग्रो हुई, इसके लिए ग्राउंड्स तो बननी बहुत ज़रूरी थी, बिना ग्राउंड्स के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ग्राउंड्स कैसे बनी है ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड में जहाँ पर कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, उस जगह पर बहुत सारे सोशलिस्ट स्कूल वर्क करना शुरू कर चुके थे। फैबियन सोशलिज्म इसमें से एक सोशलिज्म था जो ये मानता था कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो करके ग्रेजुअली हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को और सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर को सोशलिस्ट सोसाइटी की ओर बढ़ना है। हालांकि ये मार्क्सिज्म के खिलाफ थे, ये रेवोल्यूशनरी मींस के थ्रू इस तरह के रिजल्ट्स अचीव करने के विरोध में थे, लेकिन फिर भी वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड में ये आइडियोलॉजीज थी, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। हमारे रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल लेवल पर इस दौर में यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट 20 ईयर्स 1890 और 1900 के अराउंड और 20th सेंचुरी के फर्स्ट 30 ईयर्स के दौरान बेअंत पैमाने पर विदेशी दौरे कर रहे थे। उनके भी कई कारण थे, पहले लेक्चर्स में हमने समझाया, मैं अभी बता दूंगा। ऐसे में वो इन स्कूल ऑफ थॉट्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे थे, कुछ हमारे रेवोल्यूशनरीज पढ़ाई के माध्यम से वहाँ गए, वो भी इन रेवोल्यूशनरी थॉट्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे थे। इन कॉन्टेक्ट से इनके अंदर ये जो माइंडसेट डेवलप हुआ, जिसके तहत इन्हें ये महसूस होने लगा कि कैपिटलिज्म इस तरह से पीजेंट और वर्कर को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है और एक प्रिविलेज्ड बेस सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, जबकि मासेस जो हैं, सही मायने में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी नेशन के, वो सही मायने में ये पीजेंट हैं, ये लेबरर एग्रीकल्चरल और ये वर्कर हैं, तो इनके राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन इसके लिए ग्राउंड बनने ज़रूरी हैं। तो वेस्ट यूरोप में ही सोशलिज्म क्यों आता है, क्योंकि ग्राउंड्स वहाँ पर बनते हैं जहाँ से कैपिटलिज्म जन्मा, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, वहीं से सोशलिज्म भी जन्मा, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, जहाँ पर इतने सारे कर्मचारी, इतने सारे वर्कर, इतने सारे मजदूर एक जगह पर काम करेंगे एवरी डे, उनके बीच के जो रिलीजियस, कल्चरल, कस्टमरी और जो मैनेरियल, जो मैनर ओरिएंटेड डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
फिर वो एक कॉमन बॉडी बन जाते हैं, दैट इज़ द वर्कर, और उन्हें ये आइडियोलॉजी देती है वो कॉमन ऑनरशिप, यानी कि एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के सामने वह एम्प्लॉई हैं, जो मालिक हैं उसके सामने वो नौकर हैं, काम काजी लोग हैं जिन्हें कामगार कहा जाता था उस समय में। ऐसे में ये अपने सारे भेद खत्म करके एक हुए नज़र आते हैं, एक हो जाते हैं, इनकी समस्याएं भी फिर एक हो जाती हैं। वर्किंग कंडीशंस बेटर ना होना, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ फैक्ट्रीज़ में ना होना, छुट्टियां ना देना, वर्किंग आवर बहुत लंबे होना, वेजेस कम देना। फार्मर की अपनी परेशानियां थी, टेनेंसी के राइट्स उसके पास नहीं थे, कभी भी इलीगल इविक्शन बेदखली कर दी जाती थी, बहुत ही अनड्यू रेवेन्यू चार्ज किया जाता था, रेंट लिया जाता था। इस तरह की चीज़ें इन वर्गों को परेशान कर रही थी, और एनिमी कॉमन थे, कभी ज़मींदार था तो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट था, और इसके पीछे सत्ता, इसके पीछे ताकत सिद्धांत भी कॉमन था, कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो फैक्ट्री सेटअप ने एक रीज़न दिया सोशलिज्म के खड़े होने का, क्योंकि एक क्लास एग्जिस्टेंस में आई, उस क्लास ने अपने अधिकारों की बात की, और वो अधिकारों की बात को ही एक कंसेप्ट में ढाल करके उनकी ज़रूरतों को एक आइडियोलॉजिकल बेसिस दिया है कार्ल मार्क्स ने, सोशलिज्म ने। इसी तरह से भारत में भी इंडस्ट्रियल सिस्टम जब आया, उसके बेस पर जब मास प्रोडक्शन होने लगा, ऐसे में वर्किंग क्लासेस एग्जिस्टेंस में आई, और इन वर्किंग क्लासेस के एग्जिस्टेंस में आने का ही नतीजा है कि उन्होंने अपने साथ हो रहे अत्याचारों को महसूस किया, उन्होंने अपने अधिकारों को भी समझा, और ऐसे में यही वर्किंग क्लासेस हैं जिनको उस समय में इस बात का एहसास हुआ कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं और उन्हें किस तरह की मांगें रखनी हैं। उनकी इन परेशानियों को और उनकी इन मांगों को ही पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके एक प्रोग्राम में, एक पॉलिसी में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करने का काम कम्युनिस्टों ने किया। तो सही मायने में लेफ्ट शुरुआत जो भारत में होती है वो होती ट्रेड यूनियन से है। भारत में काम कर रहे इंडस्ट्रियल वर्कर और भारत में काम कर रहे एग्रीकल्चर लेबरर, और इनको एक दिशा देने का काम, इन्हें एक रोड मैप देने का काम, एक फ्रेमवर्क देने का काम जो करते हैं, दैट इज़ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। लेकिन इनको जो सपोर्ट मिला, इनको जो बेसिस मिला, वो बेसिस मिला द ट्रेड यूनियन, द पीजेंट यूनियन। देखिए, भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की अगर मैं बात करूँ तो उस लेवल पर आपको ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इंडिया में नज़र नहीं आती हैं उतने बड़े स्तर पर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब 1905 से 1908 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, तो वो एक ऐसा दौर आया, एक लंबे पड़ाव, एक लंबी चलती प्रक्रिया में, प्रक्रिया थी मॉडरेट पॉलिटिकल सिस्टम बाय द कांग्रेस। उस मॉडरेट पॉलिटिकल सिस्टम में जो मॉडरेट पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने कभी भी इस कंसेप्ट की तरफ फोकस नहीं किया कि हमें मास स्ट्रगल करना है, मास मोबिलाइजेशन करना है, हमें इंडस्ट्रियल लेबरर, इंडस्ट्रियल वर्कर का, एग्रीकल्चर लेबरर का समर्थन लेना है, और इस तरह से हमें इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, क्योंकि उनके एजेंडे पर कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, उसके पहले तो वो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहते थे, वो अंग्रेजी तंत्र की कुरीतियों को कवर अप करके, ख़त्म करके उसी तंत्र को बेटर बनाना चाहते थे। ऐसे में एक अग्रेसिव फेज़ आया इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और वो था 1905 का स्वदेशी मूवमेंट। उस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जब बायकॉट का कॉल दिया गया था, तो उस दौर में रेलवे के स्टाफ के तौर पर, फिर प्रेस स्टाफ के तौर पर, फिर टेलीग्राम स्टाफ के तौर पर, कहीं कहीं जगहों पर आपको एक लेवल पर ट्रेड यूनियंस और उनके द्वारा किए गए प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स नज़र आई थी। मैंने जब स्वदेशी मूवमेंट कराया था उसमें मैंने इन स्ट्राइक्स का जिक्र भी किया है, और हर चीज़ पढ़ाई आप स्वदेशी मूवमेंट के लेक्चर जा करके सुन सकते हैं। तो उस दौर में ये चीज़ें आई, लेकिन उसके बाद फिर से ये चीज़ें गायब हो गई, क्योंकि 1905-1908 के दौरान जब ये हुआ था, उसी समय में ब्रिटिशर्स ने इसे बहुत ही अग्रेसिवली सप्रेस किया, और उसके बाद ये मूवमेंट्स कभी शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि 1907 से 1913 के बीच में ब्रिटिशर्स ने कई कानून ऐसे पारित किए जिन कानूनों के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान खड़े हुए हमारे रेवोल्यूशनरीज़, और उसके बाद एक ब्रांच जो निकली जिसे आप रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहते हैं, उनको या तो काले पानी की सज़ा दे दी गई, या फांसी पर टांग दिया गया, या उम्र कैद की सज़ा दे दी गई, या फिर भारत से उनको डिपोर्ट कर दिया गया, या खुद ही एब्सकॉन्डर हो गए, यहाँ से चले गए। ऐसे में ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट भारत में कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई।
लेकिन इन्होंने दोबारा से तूल पकड़ा भारत में, उसके लिए ज़मीन भी बनाने का काम किया, वर्ल्ड वार वन नहीं। देखिए वर्ल्ड वार वन के दौरान होने ये लगा कि अचानक से सप्लाईज़ की कमी होनी शुरू हो गई। इसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि एक तरफ जहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर मैन्युफैक्चरर हब के तौर पर जाने जाने वाला ब्रिटेन पूरी दुनिया को सप्लाईज़ प्रोवाइड कर रहा था, वो वॉर में लिप्त हो चुका था, इसकी वजह से सप्लाईज़ हिंडर हुई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी 1917 के अराउंड वॉर में इंडक्ट हुआ, सप्लाईज़ तब भी हिंडर हुई। एक तरफ सप्लाई क्रंच हो चुका है और दूसरी तरफ बड़े लेवल पर वॉर में वॉर सप्लाईज़ के नाम पर डिमांड क्रिएट की गई उन योद्धाओं के द्वारा उस युद्ध में, इसकी वजह से डिमांड बूस्ट बहुत ज़बरदस्त आया, तो जो सप्लाई थी भी मार्केट में वो उस तरफ चली गई। तो सप्लाई क्रंच है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों में कमी है, ज़रूरतों की वस्तुओं में कमी है, महंगाई बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में भारत में अब होगा ये कि ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर है और जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसको महंगाई की एक ज़बरदस्त मार झेलनी पड़ रही है, ये पहली बात। दूसरी बात, इसी दौर में अंग्रेज़ों को फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि वॉर फंड में कंट्रीब्यूट करना है और इंडिया का भी हिस्सा तय किया है इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी उस वॉर फंड में कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए साइमल्टेनियसली अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेवेन्यू रेंट्स बढ़ाने का काम किया, जिसके तहत इनके ऊपर जो ऑलरेडी महंगाई से जूझ रहा हुआ वर्ग है उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा। ये दूसरी बड़ी मार पड़ गई। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जो इस समय इंडस्ट्रियलिस्ट था, चाहे फिर वो यूरोपियन था इंडिया में या फिर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो ये देख रहा था कि क्योंकि हमें वॉर लेवल प्रोडक्शन करनी है, खासतौर पर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हमें वॉर लेवल प्रोडक्शन करनी है, ऐसे में उन्होंने बड़े लेवल पर वर्कर को मोबिलाइज़ किया, रोज़गार में अपॉइंट किया, और कई बार ऐसा मौका भी आया जब उन्हें दुगना भत्ता दिया जाने लगा ताकि वो अल्टीमेट लेवल पर कंट्रीब्यूट करें और प्रोडक्शन हो, ताकि ब्रिटिश वॉर सप्लाईज़ को सपोर्ट किया जा सके, जिससे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों को अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ था, उस समय मुनाफा भी हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाने के बाद हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों को जो समर्थन मिल रहा था उस समय में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई पॉलिसीज़ का, जिस पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण पॉलिसी ये भी थी कि अब तक ब्रिटिशर्स जो फ्री ट्रेड सिस्टम अपना करके बैठे हुए थे, जिसमें वो वन वे फ्री ट्रेड सिस्टम को सपोर्ट करते थे, जिसमें ब्रिटेन से आने वाले गुड्स इंडिया में अनहिंडर्ड वे में एंटर होते थे, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, और इंडियन प्रोडक्ट्स जब ब्रिटेन में जाते थे उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, इससे हमारा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट नुकसान में था। ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में फ्रीली आते थे, यहाँ की मार्केट को कैप्चर करते थे, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, हमारे प्रोडक्ट्स विदेश में भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में लंबी पड़ी ये मांग भारतीय उद्योगपतियों की, उस समय में अंग्रेजी शासन को माननी पड़ी क्योंकि उनके खुद के उद्योग धंधे बंद पड़े थे, और उन्हें अगर किसी तरह से सपोर्ट या सप्लाई मिल रहा था इंडियन इंडस्ट्रीज से, इसलिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इस समय के दौरान एक प्रोटेक्शन दिया, और जो विदेशी वस्तुएं हैं वो भारत में आने पर ड्यूटी पे करती थी, इससे हमारे प्रोडक्ट को एक प्रेफरेंस मिलनी शुरू हुई, एक सपोर्ट मैकेनिज्म मिला, तो इंडस्ट्रियलिस्ट समर्थित था। ऐसे में वर्ल्ड वार वन ख़त्म होने पर इंडस्ट्रियलिस्टों को मिले इस समर्थन को भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया, वापस से ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट में फ्लड करने लगे, और इस तरह से हमारे उद्योग धंधों को फिर से नुकसान होने लगा। उन्होंने वॉर के समय में दिए जाने वाले वो भत्ते बंद कर दिए, ख़त्म कर दिए, और ऐसे में आपको ये नज़र आएगा कि एक तरफ महंगाई का दौर है, दूसरी तरफ अतिरिक्त कर लगाए जा रहे हैं, तीसरी तरफ वो जो भत्ते थे वो बंद कर दिए गए हैं, वेजेस बढ़ाए नहीं जा रहे, तनख्वाहें उतनी ही हैं। ऐसे में इन वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक्स की गई, और ये स्ट्राइक्स इस दौर में बहुत फेमस रही हैं, इसका आधार भी वर्ल्ड वार वन रहा है, और वर्ल्ड वार वन की वजह से होने वाली इस स्ट्राइक्स को अब तक जो एक लीडरशिप का गैप था, अब तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा समर्थन नहीं भी मिल रहा था, उसमें भी एक सुधार हुआ, क्योंकि ये समय है महात्मा गांधी के एडवेंट का। इस समय महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक के वर्करों को समर्थन दिया, इसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी में चेंज आया, और उसने ये तय किया कि मास स्ट्रगल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मास मोबिलाइजेशन में मैं इंडस्ट्रियल वर्कर को और एग्रीकल्चरल लेबरर को इग्नोर करके नहीं चल सकता। ऐसे में उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर को समर्थन देना शुरू किया, और इसी तरह से इस दौर में इंडस्ट्रियल वर्कर को महात्मा गांधी की लीडरशिप के तहत एक सपोर्ट सिस्टम मिला, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी एटलीस्ट एक आइडियोलॉजिकल और एक तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जिससे उन्हें यह समझ आने लगा कि मांगें कैसे रखनी है, स्ट्राइक्स कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, किस तरह से मेमोरेंडम प्रेजेंट किए जाते हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होते हैं, कैसे ये सब किया जाता है, ये सब इस दौर में आपको होते हुए नज़र आया। दूसरी चीज़, इसी दौर में इंडस्ट्रियल वर्कर को भी ये नज़र आया कि हमारा एकजुट होकर के ये जो स्ट्राइक्स करने का तरीका है,
इससे केवल हमें हमारे ही अधिकार नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स ही नहीं ले सकते, इससे हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही एक राजनीतिक ताकत है भारत में उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपनी इस कंसोलिडेटेड पावर को यूज़ करें, हम सबकी एकजुटता को, इस यूनिटी को इस्तेमाल करें, तो हम एक कलेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फ्रंट हैं, एक प्लेटफॉर्म है जो ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज दे सकता है। इसी के तहत बॉम्बे मिल वर्करों ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर के शिरकत की थी और समर्थन दिया था गांधी का, जिसके तहत उन्हें अपनी राजनीतिक महत्व की समझ आई, उनके अंदर अपनी एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई, और इसके बाद से फिर विश्व भारत भर के पॉलिटिशियंस ने इस इतने ज़बरदस्त पोटेंशियल को, इस पावर को रियलाइज़ किया कि हमारे देश में ये जो क्लासेस हैं ये तो ऑलरेडी अब ड्यू टू इंडस्ट्रियल सेटअप क्लास में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इन्हें धर्म के आधार पर बटा हुआ नहीं है, ये लोग किसी भी क्षेत्रवाद के हिसाब से ये बटे हुए नहीं हैं, जातिवाद के हिसाब से ये बटे हुए नहीं हैं। तो हमें वो जो अब तक लंबे एफर्ट्स करने पड़ते थे इनके बीच क्षेत्रवाद निकालने के लिए, जातियाँ, धर्म संप्रदाय निकालने के लिए, फिर लोग एक होते थे, ये तो रेडीमेड क्लासेस हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासेस, एग्रीकल्चर लेबर क्लासेस, दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ कलेक्टिव बॉडी। तो अगर इन क्लासेस के पोटेंशियल को यूज़ किया जाए, चूँकि ह्यूमंगस क्लासेस हैं, ह्यूमंगस नंबर है इनका, तो फिर तो अल्टीमेट पावर का शोडाउन दे सकते हैं हम ब्रिटिशर्स को एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में। इसकी वजह से ये क्लासेस एकदम से, जब इनको खुद को अपना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हुआ, अपना राजनीतिक महत्व समझ आया, ये अचानक से फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे उन नेशनल बॉडीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेशनल लीडर्स की भी नज़रों में ये आए, उन्होंने इनको उठाया, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक चैनलाइज़, एक इनकी स्ट्रेंथ को चैनलाइज़ किया, एक डायरेक्शन दिया और इन्हें यूज़ किया। इस संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 1920 में अक्टूबर में फर्स्ट सेशन होल्ड हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, और इस फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे उस समय में लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ है, बॉम्बे में अक्टूबर 1920 में, और इसके पहले अध्यक्ष, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय। तो इस तरह से हमारे देश में लेफ्ट मूवमेंट की जो शुरुआत है वो सही मायने में एक तरह से इंडस्ट्रियल सेटअप से आई, वेस्टर्न वर्ल्ड में सोशलिज्म और कम्युनिज्म के थॉट की उत्पत्ति से आई, वर्ल्ड वार वन के द्वारा किए गए, बनाए गए हालातों से आई, गांधी जी का समर्थन और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में आए परिवर्तन से आई, इन वर्कर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज होकर के ट्रेड यूनियन बना करके जब अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो इन्हें जब यह महत्व समझ आया कि इनका एक अपना राजनीतिक महत्व भी है, और उसे फिर जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, अलग अलग राजनीतिक शख्सियतों ने एक अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो ये सारे आधार बनते हैं कि हमारे देश में फिर इन लेफ्ट मूवमेंट को सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समर्थन मिलता है, और कम्युनिस्ट पार्टी फिर इन्हीं की पावर को लेवरेज करके, मेनोवर करके यहीं से उठ खड़ी होती हैं और आगे बढ़ती हैं। और ऐसे में आता है तीसरा पॉइंट, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट का जन्म भारत में हो चुका है, रेडिकलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, ना ये राइटिस्ट हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ना ये कांग्रेस के मॉडरेट फैक्शन की तरह लिबरल हैं, यानी कि सेंट्रिस्ट हैं कि जो चल रहा है सिस्टम पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक उसमें थोड़े से बदलाव कर दिए जाएँ, रिफॉर्म्स कर दिए जाएँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया अपनाई जाए। ये लेफ्टिस्ट हैं, ये रेडिकल चेंज चाहते हैं, कैपिटलिज्म को ख़त्म करके सोशलिज्म, ये अधिकार चाहते हैं वर्कर के, लेबरर के, ये अपने लेवल पर चाहते हैं कि जो एक प्रोग्राम बने, एक प्रक्रिया ऐसी बने जिसके तहत जो वेल्थ जनरेट हुई, जो प्रॉफिट कंपनी को अर्न हुआ है, उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा इन्हें भी मिले, जो कैपिटलिज्म की थ्योरी में नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये रेडिकल थॉट है, ये लेफ्ट थॉट है, और इसी को छत्रछाया प्रदान करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अब भारत में शुरुआत होगी। चलिए अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। देखिए, जब आप कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन के विषय में भारत में चर्चा करते हैं तो कुछ शख्सियतों के नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें एम एन रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इनका जिक्र आने वाले दिनों में पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ में भी हम करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन की परिकल्पना का जिक्र आएगा। ऐसे में मानवेंद्र नाथ रॉय क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से इनका क्या संबंध है?
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्होंने भारत के बाहर ही सबसे पहले ताशकंत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे कहना अच्छा बार बार नहीं लगता कि ये भी एक MCQ है, ये भी वो है। मैं MCQs के लिए नहीं पढ़ा था, आप तैयारी MCQ क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ कर रहे हैं, आप IAS बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और एक IAS मानवेंद्र नाथ रॉय को क्यों पढ़े, यह बड़ी बात है, उनकी आइडियोलॉजी के लिए पढ़ना है। तो इन्होंने कहाँ पे पार्टी बनाई है, ये तो लॉजिकली ही समझ आ जाएगा जब मैं अभी तर्क दूंगा, तो खुद समझ जाना कि क्या क्वेश्चन बनता है क्या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करो। तो मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका पहला नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, इसी के पीछे सारी कहानी छुपी हुई है कि इन्हें नाम क्यों बदलना पड़ा और इनकी कहानी कैसे चली। 1889 में इनका बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, गरीब ब्राह्मण परिवार में बंगाल में 24 परगना में जन्म होता है, 24 परगना के इलाके में। ये शुरुआत से ही रेवोल्यूशनरी टेम्परामेंट के थे और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में लिप्त रहे हैं। इनकी शिक्षा आपको याद होगा, स्वदेशी मूवमेंट के समय मैंने आपको पढ़ाया था कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई थी उस समय में, जिसमें औरबिंदो घोष का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ऐसा माना गया था कि एक तरह का अगर नेशनल स्ट्रगल क्रिएट करना है तो स्टूडेंट भी हमें ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे जो नेशनल आइडियोलॉजी को प्रेफर करते हों। तो इसके लिए उस समय में बहुत सारे नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई थी। इसी तरह से मानवेंद्र नाथ रॉय भी औरबिंदो घोष जी के द्वारा शुरुआत की गई उस समय की नेशनल यूनिवर्सिटी से शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में। वर्ल्ड वार वन के पहले ये भारत में रेवोल्यूशनरी ग्राउंड्स पर रिवॉल्ट कर देना चाहते थे, और ये वर्ल्ड वार वन के दौरान चाहते थे कि एक आर्म्ड स्ट्रगल इंडिया में किया जाए। उस अपने आर्म्ड स्ट्रगल को समर्थन करने के लिए इन्होंने उस समय में जर्मनी के हथियारों का, जर्मनी के स्किल्ड लोगों का, जर्मन रेवोल्यूशनरीज की सहायता लेने का प्रयास किया था। तो जर्मन आर्म्स की मदद से ये भारत में एक आर्म्ड रिवॉल्ट करना चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगे थे। और नेचुरल सी बात है कि जर्मनी की मदद क्यों ही ली होगी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स के ऑपोजिट, अलाइड जिनमें कि उस समय ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा, इनके खिलाफ जो था वो था उस समय में जर्मनी था, जापान था। तो जर्मनी की ही सहायता इन्हें मिलनी बनती थी, इसलिए ये भी एक लॉजिकल एस्पेक्ट है। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी के नाते अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए भी, रेवोल्यूशनरी से मिलने के लिए भी, अपने लिए आर्म्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कई देशों के दौरे किए। देखिए, एक बात याद रखिएगा, उस समय में अगर आप किसी भी तरह से ब्रिटेन को ओवर पावर करना चाहते थे या बरतानिया सरकार की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे, तो उनके खिलाफ अलायंस करने पड़ते थे, उन लोगों से जुड़ना पड़ता था जो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं, इनकी इनकी रूल करने के तरीके के खिलाफ हैं। उसके लिए एक मैप बनता है, मैप भी प्रभावित है उस समय से। तो उस समय में आपको क्या करना पड़ता था, ये भारत है, भारत से एस्केप करना पड़ता था। एस्केप आप होते थे उन देशों के वाया जिन देशों में सोशलिज्म का कंसेप्ट फैल रहा था, रशिया के वाया। तो आप चले जाते मलेशिया, चले जाते थे इंडोनेशिया, वियतनाम, यानी कि इंडो चाइना पेनिनजुला, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यहाँ से ताइवान होते हुए आप कोरिया होते हुए चाइना, जापान, फिर इसी तरह से वो रशिया के साथ लगते 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 पैसिफिक ओशन क्रॉस होता था और आप लोग एंट्री करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उस समय में ये पैसिफिक ओशन वाला मार्ग तय किया जाता था यूएसए जाने के लिए। और इसलिए बड़े लोग, क्योंकि यूएसए न्यूट्रल था, ना ब्रिटिशर्स के साथ रहता था ना सोशलिज्म के साथ उस लेवल पर रहता था, इसलिए काफ़ी लोग एस्केप लेने के लिए वहाँ गए इसी मार्ग को फॉलो करके। चाहे फिर वो कामागाटा मारू का शिप वहाँ गया हो, चाहे फिर वो लाला हरदयाल हों या और गदर पार्टी के मेंबर हों, तो ये इंडिया से ईस्ट होते हुए ये रूट फॉलो करके पहुँचा जाता था। क्योंकि वेस्ट में तो आपको पता है अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, ये सब यूरोपियन कॉलोनीज थी, तो यहाँ से होकर के तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो ईस्ट से ही जाया जाता था, ये एक मार्ग हुआ करता था उस समय महत्वपूर्ण। ऐसे में इनकी अब ये देशों से होते हुए ये पहुँचे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1916 की ये बात है, सैन फ्रांसिस्को में ये 1916 में पहुँचे हैं।
अब वहाँ पर पहुँचने के बाद इनका ज़बरदस्त एक्वेंटेंस होता है मार्क्सिस्ट थॉट के साथ। वहाँ पर इन्हें ज़बरदस्त मार्क्सवादी लिटरेचर मिला, इन्होंने उसे पढ़ा, समझा, जाना, और इनका माइंडसेट वहाँ पर चेंज हुआ। माइंडसेट ये था कि भारत में रहते हुए ये एक नेशनलिस्ट की तरह सोच रहे थे, ये नेशनलिज्म को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन जब ये मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्ट में आए, जब इन्होंने मार्क्सवाद को पढ़ा, समझा, जाना, तो इनका आस्पेक्ट एक नेशनलिस्ट ना हो करके कम्युनिस्ट हुआ, इनका आस्पेक्ट नेशनलिज्म ना हो करके इंटरनेशनल कम्युनिस्ट हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हुआ। तो नेशनलिज्म नहीं, कम्युनिज्म इम्पॉर्टेंट है, नेशनलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट होना इम्पॉर्टेंट है। ये एक शिफ्ट इनकी आइडियोलॉजी में आया जब इन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांतों को पढ़ा, समझा, जाना। ऐसे में 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी वॉर में लिप्त हो गया फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और ऐसे में इन्हें ये लगा कि अब यहाँ पर रुकना, रहना सेफ नहीं है, तो इन्होंने वहाँ से एस्केप लिया। और उस समय एस्केप लेने का एक जगह और इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, वो मैक्सिको। मैक्सिको जो उस समय में सोवियत और सोशलिस्ट कंसेप्ट, सोवियत नहीं था उस समय में, सोशलिस्ट कंसेप्ट के प्रभाव में चल रहा था, उस समय में रशिया ही था, 1917 में अभी बनेगा जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन होगा सोवियत यूनियन, तो उस समय में सोशलिज्म के प्रभाव में मैक्सिको रहता था, तो मोस्टली जो लोग यूएसए से एस्केप करते थे वो मैक्सिको की तरफ चले जाया करते थे, मैक्सिको, क्यूबा, ये सभी मुल्क हुआ करते थे। तो मैक्सिको ये चले गए। मैक्सिको जाने के बाद इनकी मुलाकात हुई वहाँ पर एक कम्युनिस्ट एमिसरी से, और उनका नाम था माइकल बोरोदिन। माइकल बोरोदिन के जब संपर्क में ये आए तो ये ऑफिशियली कन्वर्ट हुए हैं कम्युनिस्ट में, तो फिर ये कम्युनिस्ट हो गए। माइकल बोरोदिन एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनकी मुलाकात मानवेंद्रनाथ रॉय से हुई, वो मानवेंद्रनाथ रॉय जिनको भारत से जाना पड़ा उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से, और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सैन फ्रांसिस्को की धरती पर उन्होंने पैर रखा तो उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य से बदल करके मानवेंद्रनाथ रॉय किया। तो अमेरिका में एंट्री के साथ ही नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य बदला और मानवेंद्रनाथ रॉय का जन्म हुआ। नेशनलिस्ट खत्म हुआ, एक कम्युनिस्ट जन्मा, नेशनलिज्म की जगह एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म का जन्म हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ऐसे में इन सभी चीज़ों में माइकल बोरोदिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके थॉट, इनके परसेप्शंस को बदलने के लिए, जब इनकी मुलाकात मैक्सिको में इसके साथ हुई। माइकल बोरोदिन को मोटिवेट किया मानवेंद्रनाथ रॉय ने, और माइकल बोरोदिन ने मानवेंद्रनाथ रॉय के समर्थन और मोटिवेशन के साथ मैक्सिको में उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको बनाई। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम्युनिज्म कितना इंटरनेशनल लेवल का था उस वक्त। एक भारतीय रेवोल्यूशनरी जो भारत से जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसकी एंट्री होती है, वहाँ पर वो एक कम्युनिस्ट एमिसरी से मिलता है जो कि है माइकल बोरोदिन, और वो माइकल बोरोदिन को मोटिवेट करते हैं, और मैक्सिको में उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी मैक्सिको की बन रही है मानवेंद्रनाथ रॉय के सुझाव पर। ये है उस समय के कम्युनिस्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे रेवोल्यूशनरीज के इंटरनेशनल रिलेशंस। मैक्सिको के अपनी इन्हीं गतिविधियों की वजह से इन्हें रशिया से लेनिन का न्योता आता है, और फिर ये मैक्सिको से जाते हैं रशिया, जहाँ पर इनकी मुलाकात लेनिन से होती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, और ऐसे में अब लेनिन के साथ मुलाकात से मॉस्को में लेनिन और मानवेंद्रनाथ रॉय के बीच में क्या बातचीत होती है, इससे दोनों के बीच में क्या डिबेट्स, और मानवेंद्रनाथ रॉय का लेनिन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे अब हम समझते हैं। आगे कहानी मॉस्को से समझते हैं। देखिए, मॉस्को जाने के बाद होता क्या है, जुलाई अगस्त में सेकंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होती है। ये सेकंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मतलब क्या है, ये पहले तो आपको समझना होगा। देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, तीन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल्स हुई हैं टोटल, इनमें से थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। 1917 में इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जन्म हुआ और ये लगभग 1945 तक चली है। इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मतलब यहाँ पर ये है, जिसे हम थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं और इसे हम कॉमिंटर्न भी कहते हैं। इसे आप थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं और कॉमिंटर्न, COMINTERN, कॉमिंटर्न भी कहते हैं। ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कम्युनिज्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर